से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, सबने स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से स्वीकार करने पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। राम का वनवास तो 14 साल का था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वनवास 15 साल का हो गया था। अब जीत की अयोध्या लखनऊ में सजेगी, राजपाट जिसका भी हो, लेकिन जीत के महानायक तो नरेंद्र मोदी ही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, विरोधी हवा लगातार उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी ने यूपी में इतना समय क्यों दिया, मोदी जी के कारण से भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसमें, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। काशी की सड़कों पर चुनाव से पहले जैसे फूल बरसे थे, वैसे ही फूल अब जीत के महानायक नरेंद्र मोदी का स्वागत राजपथ पर करने लगे हैं। एसपीजी सुरक्षा की बंद गाड़ियों से निकलकर मोदी ने बीजेपी के दफ्तर की थोड़ी सी दूरी पैदल चलकर पूरी की। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे और तो आगे जाकर के पैदल वो लोगों का अभिवादन करते हुए पैदल जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से उनका काफिला पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री गाड़ी से आए और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो नीचे उतरे गाड़ी से और लोगों के बीच जाकर के जो सड़क के दोनों ओर लोग हैं उनसे अभिवादन कर रहे हैं, उनको वेव कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की तरफ करीब करीब बढ़ चुके हैं और मुख्यालय में पहुंचने वाले। वो पैदल अकेले चले, लेकिन उनका पंजाब आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर सुनाई पड़ रहा है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो। इतनी मेहनत क्यों करते हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। भावुकता भारतीय राजनीति का हिस्सा रही है। कई चुनाव जज्बाती मुद्दों पर लड़े गए। बीजेपी ने भी भावुकता की बुनियाद पर कई चुनावी जीत की इमारतें खड़ी की, लेकिन मोदी ने उसके व्याकरण को बदल दिया अपने विकास के नारे और मेहनती स्वभाव से। प्रधानमंत्री बनने के करीब 3 साल बाद भी मोदी का राजनीतिक व्याकरण बिल्कुल दुरुस्त है। 3 बातें मैंने कही थी और उसमें से गलत करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन करने वालों ने किया था। एक मैंने कहा था, गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने कही थी, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था, हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के वोटरों से कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जीत की केसरिया होली खेलेंगे, लेकिन जब जीत मिली तो मोदी की तमन्ना सबकी होली। हार में इंसान उखड़ता है, जीत विनम्रता लाती है। विजय पेड़ भी हमें सिखाता है, पौधे भी हमें सिखाते हैं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है।
अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। उत्तर प्रदेश तो हिंदुस्तान का दिल है और इस यूपी ने अपना दिल निकालकर मोदी के कदमों में रख दिया। 11 मार्च को मोदी इसका जश्न मना सकते थे, लेकिन पहाड़ से मैदान तक कामयाबियों के कारवां को रोका तो सुकमा में शहीद हुए जवानों के लिए। और रविवार की छुट्टी की शाम बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो चुनाव से आगे का मंसूबा लेकर 2022 भारत की आजादी के 75 साल, हमारे पास 5 साल का वक्त है। अगर 125 करोड़ देशवासी 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे, अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्त। और इसको बल मिला है चुनाव नतीजों से। ये इत्तेफाक हो सकता है कि 2022 में ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन मोदी ने एक हिंदुस्तान का सपना उछाल दिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जीतकर। उन सपनों को सच करके इतिहास को बदलना इसे ही कहते हैं, सत्ता का वनवास तोड़ना इसे ही कहते हैं। किसी नेता के विशाल कद का करिश्मा भी इसे ही कहते हैं। आज केसरिया रंग में देश का सबसे बड़ा प्रदेश रंग गया है। होली से 2 दिन पहले ही बीजेपी की होली होली। ये जो 3 तलाकों वाला मुद्दा हल हुआ है और नोटबंदी वाला मुद्दा हल हुआ है, जिनके काले धन बाहर निकले हैं, जो रिश्वत खोर थे, गरीबों का जो है कष्ट हो रहे थे, जिनकी वजह से मैंने इसी मुद्दे पे वोट दिया। उत्तर प्रदेश में कमल खिला है, गरीबों के नेता के रूप में मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी हुआ है। कहते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ओपोजिशन को कर दिया इन्होंने बहरा, देखिए इस चेहरे का नूर। वैसे केसरिया होली का इशारा तो प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दिया था। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंगा रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। उत्तर प्रदेश की लड़ाई मोदी के लिए उनकी साख और सम्मान की लड़ाई भी थी। 3 साल पहले वाराणसी से चुनाव लड़कर उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। इस चुनाव में उन पर बाहरी होने का आरोप लगा तो गोद लिया बेटा बताकर यूपी का दिल जीत लिया। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माय बाप है, मेरा माय बाप है। यूपी के इस गोद लिए बेटे ने वो कमाल किया जो कभी यूपी वाले बीजेपी के बेटे भी नहीं कर पाए। जब बीजेपी में अटल अडवाणी का दौर था, कल्याण सिंह का जलवा था और बीजेपी राम लहर पर सवार थी, तब भी बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन राम लहर से बड़ी लहर मोदी ने पैदा कर दी। गरीबों ने देखा कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और गरीब मोदी जी के साथ जुड़ा कि ये व्यक्ति हमारी बात करता है। इंदिरा गांधी के बाद एक बहुत भयंकर बदलाव हुआ है और देश गरीबों के साथ, विकास के साथ और न्याय के साथ चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। उनकी जीत के सपने के रास्ते में यूपी के 2 लड़के खड़े थे और यूपी की एक बेटी भी। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया है और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को
को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपको देश को प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज़्यादा करती हैं, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहां अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। बिहार में करारी हार के बाद यूपी का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस पर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक तरफ, मायावती का दलित कार्ड दूसरी तरफ, बीच से निकलकर बीजेपी का कमल खिलाना रेत से पानी निकालने जैसा मुश्किल काम था। लेकिन कभी फलक ने जहां 5 साल पहले बीजेपी के अरमानों पर बिजलियां गिराई थी, मोदी की जिद ने वहीं पर जीत का खूबसूरत आशियां। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर के रहे। नतीजा सामने है। 2012 में सिर्फ 46 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने पूरी यूपी अपने नाम कर ली। इसके लिए मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अमित शाह ने जो रणनीति बनाई वो 100% कामयाब रही। नए वोट बैंक को जोड़ने के लिए बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटों को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की। इसके तहत ही केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरी तरफ गैर जाटव दलित वोटों को जोड़ने की पहल भी जमीनी स्तर पर दिखी। सवर्ण वोटों को अपने साथ जोड़ने में शाह कामयाब रहे। दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी से जोड़ा। एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर ध्रुवीकरण के लिए भी एक कोना खोले रखा और टिकट बंटवारे की घिसी पिटी परंपरा को तोड़ते हुए जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाया। देखिए विकास जी, उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम में से बाहर निकल चुकी है। मैं मानता हूं कि ये कोरम जो अभी ये हॉल में बैठा है वो भी इसमें से बाहर निकल जाए। आप मत समझो ना, परिणाम देखो भैया, हिंदू मुसलमान में से बाहर निकल जाओ। मतदाता होता है, सबको विकास चाहिए, सबको प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए, सबको परफॉर्मेंस चाहिए। मोदी ने अपना रास्ता तो बना लिया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सियासी पंडितों को बीजेपी का पाला कमजोर पड़ता दिख रहा था, तो मोदी उसमें अपने लिए बड़ी संभावना देख रहे थे।